स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है अब आपके कॉमन क्वेश्चन का डाउट्स जो है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे उसका आज समाधान करना आया हूँ कॉमर्स स्टूडेंट हम लोगों को क्या लेना चाहिए हम अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी को क्लास मतलब कि टारगेट बनाए कौन सी यूनिवर्सिटी में हम जाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या क्या सिलेक्ट करें डोमेन सब्जेक्ट में क्या लें जनरल टेस्ट में क्या लें और क्या हम लोगों को लैंग्वेज एक से ज्यादा ऑप्ट करना चाहिए या फिर हम लोग

बता दे कि आप ये चीज कर रहे हो अच्छा है नहीं ये चीज आपको खुद डिसीजन लेना है खुद डिसाइड करना है कौन सा आपके लिए बेस्ट है हाँ अगर आपको ट्रैक नहीं मिल रहा है तो अपने टीचर से बात करो अपने गार्डियन से बात करो अपने रिलेटिव से जो नॉलेजेबल पर्सन है जिसको आप मानते हो कुछ आप उनसे बात करो उनसे पूछो कि ये हमारा गोल है और इसके हिसाब से हमें क्या परस्यू करना चाहिए मेजर कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं वो बी और बी ऑनर्स लेते हैं जो मेजर बच्चे होते हैं लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लेते हैं इसलिए आप ले लो अगर आपको लगता है आपके पास वैलिड रीजन है तो बी और बी ऑनर्स आप चूज कर सकते हो इसके अंदर क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो इसके अंदर आप मार्केटिंग पढ़ते हो इसके अंदर इनकम टैक्स पढ़ते हो आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ते कर सकते हो, आप BBA, History, Science, जियोग्राफी ऑप्शन और आर्ट्स के बच्चे जनरली चूज करते हैं तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट और सबसे बड़ी समस्या आपकी मैथ्स ले जन टेस्ट दें या ना दें दे, डोमेन की

डी से बी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो एक लैंग्वेज लोगे और तीन डोमेन ले सकते हो सिंपल सीधी सीधी बात है क्लास इंग्लिश ले लिया अकाउंट्स इको बी ले लिया खत्म बात राइट या फिर आप क्या कर सकते हो क्लास आपने इंग्लिश ले लिया या हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज है एंड एनी वन फ्रॉम सेक्शन टू से कि आपको बी कॉम को टारगेट कर रहे हो तो आप अगर क्लास अपने ट्वेल्थ का पढ़ा हुआ ही पढ़ लो एक लैंग्वेज और तीन डोमेन तो होगी ना आपकी प्रिपरेशन आपको जनरल टेस्ट की जरूरत है ही नहीं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मुझे जलन टेस्ट देना है क्योंकि बी के बीकॉम में वो जनरल टेस्ट मांग रहे हैं मुझे जलन टेस्ट भी देना है तो फिर आप क्या कर सकते हो एक इंग्लिश और क्लास अकाउंटेंसी को बीएसटी में से कोई भी एक ले लो और आप आप टेस्ट दे दो लेकिन ध्यान रखना अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो देखो सिर्फ फॉर्म भर देने से कुछ नहीं होगा आपको इसे पढ़ना पड़ेगा आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आप इसे पढ़ सकते हो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो आप ये चूज कर सकते हो इसके अलावा ध्यान समझना अगर आप ड्यू में ही का प्लान कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स आप जो है सोच रहे हो लेने के लिए तो उसमें भी एक लैंग्वेज चाहिए अब मैथ्स या अकाउंट्स में से कोई भी एक हो चलेगा सर मेरे पास मैथ्स नहीं है कोई बात नहीं बेटा अकाउंट्स तो है सर मेरे पास अकाउंट्स नहीं है कोई बात नहीं मैथ्स तो है तो इन दोनों में से कोई भी एक हो और एनी टू फ्रॉम सेक्शन सेकेंड यानी कि डोमेन सब्जेक्ट तो अगर आप अकाउंट ईको और बी ले लेते हो लैंग्वेज ले लेते ले हो ले तो हो गया ना बी ऑनर्स आपका तो यानी बी कॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों का क्राइटेरिया लगभग सेम है तो ड्यू से आप ये दोनों कर सकते हो तो जिन बच्चों के मैथ्स नहीं है या जिनके पास मैथ्स टफ लग रहा है तो छोड़ो मैथ्स आप अकाउंटिंग को बी ले लो और अपना क्लास सेक्शन वन में लैंग्वेज ले लो खत्म होगी प्रिपरेशन अगर आप बीए करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो एक लैंग्वेज ले सकते हो और तीन यानी जो बीकॉम की रिक्वायरमेंट है सेम वही बीए प्रोग्राम की भी रिक्वायरमेंट है लेकिन अगर आप चाहते हो तीन डोमेन नहीं देना तो सेम टू सेम काम आपको से जनरल टेस्ट यानी कि अभी तक अगर आप जनरल टेस्ट नहीं देते तो भी आप सारी की सारी चीजें कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो बी कर सकते हो और खाली बी भी कर सकते हो यानी कि बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हो डेली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ राइट अगर आप बी ए ऑनर्स जर्नलिज्म में करना चाहते हो हिस्ट्री में क्लास पॉलिटिकल साइंस में या सोशियोलॉजी में करना चाहते हो तो आपके पास इंग्लिश यानी कि एक लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए आपके पास इंग्लिश ही होना चाहिए थ्री फ्रॉम सेक्शन टू यानी कि सेक्शन टू से आप तीन ले लो या आप जनरल टेस्ट ले लो यानी कि जनरल टेस्ट ले लो और इंग्लिश ले लो या इंग्लिश ले लो और तीन यानी कि वही अकाउंटिंग को बी ले लो और इंग्लिश ले लो हो जाएगा या इंग्लिश ले लो और जनरल टेस्ट दे दो हो जाए खत्म काम तो आप ये डिसाइड करो कि आपको एक्चुअली करना क्या है आपको बी ए करना है बी कॉम करना है और उन चीजों को तो आप फॉर्म में भरो ही कई सारे कई सारे बच्चे कहते हैं सर मैं ये सारा कुछ भर लू हर सब किसी यूनिवर्सिटी में कवर हो जाएगा भैया तुम सारा भर तो लोगे पर तुम सारा पेपर क्रैक कैसे करोगे कॉम्पिटिशन में कैसे आपकी रैंक आएगी मेरिट में नाम कैसे आएगा आपका आप सारा भर लोगे तो सारा प्रिपरेशन भी तो करना पड़ेगा ना आप प्रिपरेशन कैसे आप जनरल टेस्ट भर दोगे आप मैथ्स भर दोगे प्रिपरेशन कैसे होगा तो प्रिपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आप ध्यान रखना अगर लेकिन अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो तो पक्की बात है एक लैंग्वेज और मैथ्स कंपलसरी है और टू फ्रॉम सेक्शन जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं मैथ्स कंपलसरी है बाकी आप अकाउंट ईको इको बी एस टी बी एस टी ईको कुछ भी आप ले सकते हो बी एस टी अकाउंट्स कुछ भी आप ले सकते हो एक लैंग्वेज और मैथमेटिक्स तो ये है सारा का सारा क्राइटेरिया खासकर डेली यूनिवर्सिटी में आगे और भी यूनिवर्सिटी की बात करूंगा बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी बी नहीं करा रही नहीं, जो जो करा रही है मैं उन सबकी बात यहाँ पे करूंगा फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म करना चाहते हो तो आप इंग्लिश होना चाहते

लैंग्वेज चाहिए मैथमेटिक्स भी जरूरी है और जनरल टेस्ट यानी कि मैथ्स और जनरल टेस्ट यहाँ पर जरूरी है अगर आप बी करना चाहते हो सुखदेव में एडमिशन लेना चाहते हो सही सुखदेव कॉलेज में या फिर आप इकोनॉमिक्स बी बी ए बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो भी तुम्हारे पास मैथ्स और जनरल टेस्ट अवेलेबल है ओके okay? अब ओवरऑल रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ कि ओवरऑल यहां क्लास सिनेरियो फंडा क्या है ओवरऑल बात यह है कि आपको एक लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए सबसे पहली चीज ओवरऑल रिक्वायरमेंट दूसरा दो डोमेन या मैथ्स दो डोमेन प्लस मैथ्स ठीक है या फिर आप तीन डोमेन ले लो अगर आप मैथ्स नहीं लेना चाहते और साथ में जल टेस्ट अगर आप इन चीजों को फुलफिल कर लेते हो पहला है लैंग्वेज दूसरा है जनरल टेस्ट तीसरा है मैथ्स उसके अलावा कोई भी दो डोमेन चाहे आप अकाउंट ले लो अकाउंट्स प्रैक्टिकल है मैथ्स प्रैक्टिकल है नहीं लेना चाहते और ले लो बट अगर आप इतना कर लोगे ना तो डैम श्योर है क्लास कि आपका हर जगह फॉल कर जाएगा कैटेगरी में बट समस्या यह है कि आप इनकी प्रिपरेशन करोगे कैसे इतने कम समय में जो ये अभी आपके पास थोड़ा सा समय बचा है आप इसकी प्रिपरेशन करोगे कैसे तो इसकी प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपने ट्वेल्थ

एक तुम्हारा एक सोच है कि मुझे ड्यू में बीकॉम करना है ठीक है और मुझे यहां से ये भी करना है तो आप जनरल टेस्ट वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो बिकॉज यहां नहीं, है, टेस्ट है।, तो टेस्ट वाला जो है आप यहां से अगर चूज करोगे तो देखो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जनरल टेस्ट करेगा वो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकता वो बिल्कुल कर सकता है वो बिल्कुल बीकॉम कर सकता है क्लास बी ऑनर्स कर सकता है लेकिन क्लास आप देखो किस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है तो मैं तुम्हें क्या कहूँगा सबसे पहले देखो अब कौन सी यूनिवर्सिटी किसके घर के आसपास है कौन जहां कहा मूव कर सकता है ये तो मैं नहीं जानता यहां पे तो आप ना कोई तीन मैक्सिमम जो है वो तीन यूनिवर्सिटी की लिस्ट

और पूरा का पूरा मैथ्स और जन टेस्ट दे देता हूँ और दो डोमेन दे देता हूँ तो भैया मैंने उससे बोला क्या तुम एक महीने में सारी प्रिपरेशन कर पाओगे और करके कंपटीशन में आगे निकल के अपनी मेरिट हासिल कर पाओगे तो कहता मैं कैसे करूंगा मुश्किल है बस फॉर्म भर दो फॉर्म भर दो आज नहीं फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा फॉर्म भर के सिर्फ आप एलिजिबल हो कि हमने फॉर्म भराया पेपर देने के लिए एलिजिबल हो कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब आपकी मेरिट आएगी और मेरिट तभी आएगी जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी राइट तो इसीलिए क्लास अगर आप सिर्फ जर्नल टेस्ट दे दे दोगे तो फिर आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आप बीबीए कर सकते हो बी कर सकते हो बी या बी अगर आपका क्लास इसके अंदर मेरिट आता है तो अगर आप बी 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 करना चाहते हो ऑनर्स में तो आपके ट्वेल्थ में कहीं ना कहीं आपके पास इकोनॉमिक्स होना चाहिए तो आपको इकोनॉमिक्स का भी पेपर देना है मैं हर एक बच्चे से कहूंगा ये अकाउंटिंग को बी जरूर देना अकाउंटिंग को बी जरूर देना अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो कई जगह ये फॉल करेगा राइट कई बच्चे बोलते सर अकाउंट हमारा टफ है ना दें तो बट आपको आगे भी दिक्कत आएगी और साथ में क्लास आपकी मेरिट जो है ना मतलब वही ना एक बच्चा फिजिकल ले रहा है एक बच्चा अकाउंट ले रहा है एक बच्चा मैथ्स ले रहा है तो कहीं ना कहीं वेटेज जो है वो फिजिकल को कम मिल सकती है तो ऐसा नहीं कि आप आसान आसान सब्जेक्ट ले लो बिकॉज आसान सब्जेक्ट लोगे तो आसान सब्जेक्ट की लाइन में जो कट ऑफ है वो आपकी बहुत हाई चली जाएगी और नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर आप पीछे हट जाओगे राइट एक नॉर्मलाइजेशन भी होता है डी में इसमें भी होगा क्योंकि अलग अलग एक ही सेम सब्जेक्ट के पेपर अलग अलग दिन अलग अलग स्लॉट में पढ़ रहा होगा तो कई सारे बच्चे ऐसे कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका सेट थोड़ा टफ आ गया किसी का सेट थोड़ा आसान आ गया तो फिर कैसे होगा तो एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि जिन जिन का सेट टफ आया था जिन जिन का आसान आया था उनके बीच में एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ओके तो बी ए अगर आप बी बी करना चाहते हो इकोनॉमिक्स है तो आपके बाद बन जाएगी अब आते हैं बी के बारे में बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के अंदर आप बी ऑनर्स करना चाहते हो या बी ऑनर्स एफ करना चाहते हो तो उन्हें क्या क्या चाहिए सबसे पहली बात वो कहते हैं लैंग्वेज से हमें लेना देना नहीं है सेक्शन ए से लेना देना नहीं है सेक्शन टू में तुम्हारे पास अकाउंट और बिजनेस जरूर होना चाहिए क्योंकि तुम बी कर रहे हो और सेक्शन थ्री में तुम्हारे पास जनरल टेस्ट भी होना चाहिए यानी कि अगर तुम बी का टारगेट कर रहे हो कि मुझे बी में जाके पढ़ना है तो भैया जनरल टेस्ट तो जरूर देना पड़ेगा यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है तो अगर तुम बी और डी का प्लान कर रहे हो रहा डी बी एच यू आप इसका अगर प्लान कर रहे हो तो आप ये चीज़ नोटिस करो कि बी की रिक्वायरमेंट क्या है डी की रिक्वायरमेंट क्या है और दोनों के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर दो और जहां पे फॉर्म में जो चीज नहीं है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल सबसे लास्ट ऑप्शन होगा उसमें नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना कि भैया ये, ये चीज मेरे में नहीं है स्लॉट वन स्लॉट टू में अगर आपको कंफ्यूजन है तो कॉमेंट करो मैं एक दिन आपको कल ही कोशिश करूंगा कल परसों के अंदर ही स्लॉट वन स्लॉट टू का पूरा फंड आपको समझा दू ताकि फॉर्म आप भर सको फॉर्म भरने में तीन स्टेप है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे फिर फॉर्म फिल करोगे अपने फोटो अपना सर्टिफिकेट वगैरह या फिर अपना जो आपका सिग्नेचर है वो आप अपलोड करोगे उसको स्कैन करके और तीसरा स्टेप आप पेमेंट करोगे ये तीन स्टेप है कुछ गलती हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना अगर गलती हो जाए वैसे कोशिश करो गलती ना हो हो जाए तो परेशान ना होना क्योंकि उसके बाद हम लोग को मौका मिलेगा कि हम उसे रीचेकिंग भी कर सकते हैं राइट हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करें तो अगर आप यहां से भी कॉम करना चाहते हो तो अकाउंट बिजनेस इको स्टैट्स बिजनेस मैथ्स इस चीज अगर आप अकाउंट इको बी रखते हो तो आप यहां से आराम से बी कॉम की प्रिपरेशन कर सकते हो हेमवती नंदन क्लास बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कहते हैं बीए के लिए जनरल टेस्ट और बीकॉम के लिए अकाउंटिंग को बी तो अगर आप देखो मैंने शुरू में कह रहा था आप अकाउंट को बी जरूर लेना कि कहीं ना कहीं आपका फॉल कर सकता है आपकी मेरिट बनेगी तो आप अप्लाई कहीं भी कर सकते हो इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे बी ऑनर्स करना चाहते हो तो फिर आपको क्या चाहिए क्लास बी ऑनर्स में इकोनॉमिक्स में आपको मैथ्स नहीं चाहिए पे यहां पे आपको क्लास क्या चाहिए ओनली इकोनॉमिक्स चाहिए तो इस तरीके से आपका फाइनल डिसीजन क्या होगा तो फाइनल डिसीजन मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे दो दो पार्ट में बांट ये मेरा पर्सनल सजेशन है मेरा पर्सनल ओपिनियन है ठीक है आप सीधा एक क्लास बेसिकली ड्यू के लिए आप प्लान कर रहे हो इंग्लिश और अकाउंट इको बी एस टी आप सीधा क्लास इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो सीधा सीधा या फिर आप क्या कर सकते हो इंग्लिश या हिंदी कोई भी अगर है किसी के पास सब्जेक्ट जो भी इसके पास है मैथ्स हो गया जनरल टेस्ट और कोई भी एक डोमेन जो भी क्लास आपको लग रहा है इजी है आपके लिए वो आप डोमेन का इस्तेमाल कर लो लेकिन मैं इस चीज़ को प्रेफरेंस देता हूं क्लास और हमारे एस मोबाइल एप्लीकेशन पे इसकी लाइव क्लासेज भी चालू है इसकी प्रिपरेशन भी चालू है तो आप एस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ करने के लिए जो कॉमर्स के बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो तो अकाउंट्स आपने पूरा पढ़ रखा है ईको आपने पूरा पढ़ रखा है बीएसटी आपने पूरा पढ़ रखा है आपको ऐसा लगेगा कि सर मुझे कुछ याद नहीं है बट रियली really आपने ये तीनों के तीनों पढ़ रखा है तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा मन से आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ जनरल टेस्ट जो है ये अगर आप एक महीने की बात करो तो एक महीने में इसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना रियली really मुश्किल काम है नामुमकिन नहीं है बट मुश्किल काम है खासकर अगर आपका दिमाग शार्प ना हो तेज ना हो तो राइट करंट अफेयर्स है बहुत सारी चीजें इसके अंदर है तो देखो यहाँ पे जो है आप जानते हो चीजों को आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और यहाँ पे क्या है क्लास ये जल टेस्ट है आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और फिर उसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे सर मैं ये कर लूंगा क्यों क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव बात भी है कि अगर ये टफ है तो सबके लिए टफ है तो कट ऑफ थोड़ा सा जो है कम रहेगा मतलब कि मेरा मेरिट में चांस जो है वो बन सकता है यहां पे सबको आता है सब ये चूज करेंगे तो मेरिट जो है वो हाई जाएगा लेकिन क्लास आप अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना है कि आपको दोनों को क्या करना है इन दोनों में से या तो आप ये चूज कर लो या तो मैं अगर होता आपकी जगह तो ये चूज करता कि मैंने पढ़ रखा है मैं इसी में जीजान लगा के मेहनत करता और क्लास अपना स्कोर अच्छा बना लेता क्योंकि मैंने पढ़ रखा है मुझे मुश्किल होगा नहीं और मुझे अभी से मेरा बोर्ड भी अच्छा जाएगा और मुझे इसकी क्योंकि बोर्ड में भी देखो अल्टीमेटली जो आप बोर्ड में पढ़ रहे हो वही सब चीज तो आएगा एनसीआर आएगी क्लास ट्वेल्थ की तो ये अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो कोई दिक्कत हो एसपीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो वहां से आपको सीयूटी का पर्टिकुलर डोमेन का कोर्स मिल जाएगा अच्छा अब अगर आप कहते हो नहीं सर मैं किसी भी कीमत पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा लूंगा ही लूंगा, वाले मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो फिर आप एक तो ये ले लो अकाउंटिंग या को ले लो कोई भी दो ले लो एक जनरल टेस्ट ले लो और मैथ्स ले लो मतलब कि आप ये चीज तो कर ही रहे हो साथ में एक जनरल टेस्ट और कर लो बस ये चीज तो आप कर ही रहे हो साथ में अगर आपका बीए इकोनॉमिक्स और ड्यू से नहीं है तो ये चीज तो कर रहे हो ना आप मैथ्स छोड़ दो खाली एक जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन और कर लो आप डेली का दो दो घंटा अगर दे दोगे तो जनरल टेस्ट भी हो जाएगा ओके तो आपकी सारी फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लायक हो जाओगे कहीं भी जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर अगर आप फ्रेम में जाते हो ये पूरा और साथ में एक जनरल टेस्ट दे दो राइट अगर आप फॉर्म भर देना अगर आप चाहते हो कि हा मैं करूंगा तो फॉर्म भर देना फॉर्म भर के आप इसकी प्रिपरेशन कर लेना भले ही अभी आप इसकी प्रिपरेशन कर लेना जब तक आपका बोर्ड चल रहा है बोर्ड के बाद आप इसकी प्रिपरेशन कर लेना टेस्ट की तो तो आराम से आपका तो से आपका फाइनल हो जाएगा मेरी तरफ है डिसीजन बाकी मर्जी आपकी ये क्लास आपको कैसा लेना है अपने घर वालों से अपने क्लास जो भी आपके कलीग्स हैं जो सीनियर्स हैं आपके जो आपके टीचर्स हैं उन सबसे डिस्कस करो बात करो और क्लास सोच समझ के अपना फॉर्म भरना मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट उम्मीद है क्या आप अच्छे से फॉर्म भरोगे कोई डाउट है फॉर्म भरने में कमेंट सेक्शन में पूछो ये आपस में जितने भी बच्चे हैं क्लास प्लीज कमेंट में जाके देखो और हेल्प करो अगर कोई कुछ पूछता है बच्चा तो आपको पता है नॉलेज तो आप भर दो आप लोग क्या क्या सब्जेक्ट भर रहे हो क्या क्या दे रहे हो ये भी इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और क्लास और ट्वेल्थ की टर्म टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जल्दी से सारा काम जो है खत्म कर दो फिर थोड़ा सा वेट करो अप्रैल के एंड में जो है फॉर्म भर देना मई में फॉर्म मत भरना लास्ट में बहुत रश हो जाता है कई बार फॉर्म सबमिट नहीं होता अटक जाता है तो अप्रैल के एंड तक अपना फॉर्म भर दो और अपने सिर्फ फॉर्म भरना है आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है पढ़ाई अपने टर्म टू की चलाते रहना ठीक है टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कॉमेंट करना शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में सारे दोस्तों में ताकि उन्हें अगर कोई डाउट हो कॉमर्स के बच्चे अगर वो है कोई डाउट है तो उनकी क्लास प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए ठीक है बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में